चंपावत उपचुनाव का मैदान अब सजने लगा है। बीजेपी प्रत्याशी सीएम धामी ने जहां सोमवार को अपने नामांकन का पर्चा भरा, वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गैतोड़ी कल अपना पर्चा भरेंगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का करण मेहरा का कहना है कि निर्मला दीदी मातृशक्ति की प्रतीक है। वो सीएम धामी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि करण मेहरा कह रहे हैं कि सभी अभी से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने में लगे हैं, जिसकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई है। 11 तारीख को कांग्रेस की प्रत्याशी निर्मला जी अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रही हैं, जिसमें सीएलपी लीडर यशपाल आर्या जी, माननीय हरीश रावत जी, प्रदेश के प्रभारी देवेंद्र यादव जी, प्रदीप चमटा जी, सभी वरिष्ठ विधायकगण और मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। संगठन के सभी महत्वपूर्ण पदों में बैठे हुए जिम्मेदार लोग वहाँ होंगे और निर्मला जी को चुनाव लड़ाने की हमारी पूरी तैयारी है। मैं कुछ साथियों के द्वारा लिखे गए चीज़ें देख रहा था कि साहब वॉकओवर दे दिया, तो मैं उनकी जानकारी मैं आप सबके माध्यम से लाना चाहता हूँ कि निर्मला गहतोड़ी जी जो हैं वो उस जिले की अध्यक्ष रही हैं महिला होते हुए भी, और एक सशक्त महिला हैं जो बहुत जानकार हैं, क्योंकि जिस समय मनरेगा का शुरुआत हुई थी तो सोनिया गांधी जी के निर्देश पर कई जिलों की कोऑर्डिनेटर रहीं, जो ट्रेनिंग कैंप्स चले वो उन्होंने चलाए, राज्य मंत्री भी उनको बनाया गया था कांग्रेस की सरकार में, तो एक सशक्त महिला को कांग्रेस ने दावेदार बनाया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से वो चुनाव लड़ रही हैं, लड़ेंगी और कांग्रेस पूरी ताकत से इस चुनाव को जीतने के लिए जा रही है। एक फ़ायदा उनको ये होने वाला है कि वो महिला हैं, दूसरा लंबा अनुभव है और पिछले 5 या 6 इलेक्शन से वो लगातार टिकट की प्रबल दावेदार रही हैं, हमेशा पहले और दूसरे नंबर पर उनका नाम आते रहा है, और इस समय मैं सौभाग्य समझता हूँ अपना कि मैं उनको चुनाव लड़वा रहा हूँ पार्टी की तरफ से, और एक महिला का सम्मान भी हम कर रहे हैं और एक ऐसी महिला जो महिला होते हुए भी जिला अध्यक्ष मतलब सामान्य रूप से जिले की अध्यक्षता जिन्होंने कई वर्षों तक की है, और एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में हम निर्मला जी को देखते हैं।